आज आपने पत्रकारों को बुलाया है और आप हमेशा बुलाते रहते हैं, हमें भी पता है कि आप वार्ड के विकास के लिए कुछ ना कुछ आपकी हलचल चलती रहती है, आज फिर याद किया, आखिर क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहु। पहले तो मैं शहरयान औरंगाबाद को अपनी दुख, आज 6 दिसंबर है, बड़ा ही काला दिन है, शायद ही हम जिंदगी में इस दिन को जो है भूल सकें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहु। आपको बुलाने का मकसद ये है कि आपको मैंने बताया कि वो नाली का पानी जो है ये रोड से बह रहा है, ये नाली जो है ऊपर से आ रही है आसिफ कॉलोनी से और मेरे ऑफिस के नीचे से होते हुए ये चली जाती है, बहती है उसमें, उसको बंद करना जो है आज मुश्किल है। अगर उसको बंद करना है तो उसको वेल प्लान बंद करना पड़ेगा, कैच पैड पूरे डाल के जो है जो नाली का से जो पानी बहता वो अपने को चैम्बर से जोड़ना पड़ेगा, ये उसका सही तरीक़ा है अगर बंद भी करना है। अभी जब जब आप आए जी, जब जब आप यहाँ से गुजरते होंगे जी, तो पानी यहाँ से बहता है जी, आम बात से शिकायत है, शिकायत ऐसा हो गया कि आसिफ कॉलोनी में ड्रेनेज का पानी बहता जी, ये वार्ड मशहूर हो गया उस वजह से। मैं 3 साल से जो है पूरे आसिफ कॉलोनी के मसाइल, ख़ास तौर पे मैं ड्रेनेज पे ध्यान दे रहा हूँ, ख़ास तौर पर, क्योंकि ड्रेनेज जब तक क्लियर नहीं होगा उसके ऊपर आप रोड बनाएंगे कोई मतलब नहीं है, नया रोड बनाएंगे फिर उसको खोदना पड़ेगा आप, बराबर है। तो मैं ये चाह रहा हूँ अभी सिस्टमेटिक कि पूरी ड्रेनेज लाइन हो जाए। आप देखेंगे मेरा बजट में, मैं आपको बता दूँगा, पूरे 60 लाख रुपये पूरे मेरे ड्रेनेज के, जो 40% हमारे रह गए हैं आगे बजट में उसको जो है लेंगे कमिश्नर साहब इंशाल्लाह। ये 60 लाख लेने में मुझे इम्तियाज अली साहब ने भी मदद की, उनका खुद का भी उन्होंने जो है लेटर मेरे लेटर के साथ जोड़ के दिया है कि यह ज़रूरत है आसिफ कॉलोनी में। तो ये ड्रेनेज पूरा हम क्लियर करके मैं पीछे लगा हुआ हूँ MJP की कि भाई पानी की लाइन वो कर दें, बाद में आखिर में उसको रोड करेंगे तो इंशाल्लाह पूरा वार्ड चमक जाए। अब मैं इस वजह से कोशिश कर, इलेक्शन जब होंगे होंगे, इलेक्शन हारेंगे जीतेंगे अल्लाह का फैसला है, और ये वार्ड लेडीज़ होता है, जेंट्स होता है, SC होता है, अभी चीज़ें क्लियर नहीं है जी, नई सरकार आई नई तरह से जो है होगा, मगर मैं आसिफ कॉलोनी के आवाम को मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक आदमी इतने दर्द से इतनी मेहनत से ये कोशिशें कर रहा है और कोई साजिश रचते हैं और उसको पानी फेरने की कोशिश करते हैं, तो पानी आपको फेरना है तो अबुल हसन हाशमी पे फेरिए, आपको दुश्मनी है अबुल हसन हाशमी से आप उसको मारिए, अबुल हसन हाशमी का नाम आपको ख़राब करना है, आप झूठे केसेस करना चाहते हैं अबुल हसन हाशमी पे करिए, मगर मेरी आसिफिया कॉलोनी बिस्मिल्लाह कॉलोनी के आवाम से आप खिलवाड़ ना करें। अब मैं आपको, हाँ पूछिए क्या बोल रहे हैं, ये पूछा सर कि आप उड़े के इशारा किस तरह पे आपका, कोई नाम इशारा नहीं, मैं तो खुले अल्फाज में दो टोक बोलने वाला आदमी हूँ मैं, बोलिए फिर सर। मैं इशारे विशारे मैं देता नहीं हूँ। जो आपने अभी नाली का पानी लिया है, ये नाली का पानी सैयद मतीन के घर के पास से, ये नाली सैयद मतीन उसके बवाली साहब उन्होंने बंद किया, इस वजह से उन्होंने बंद किया कि ये रोड से पानी बहे और लोगों को तकलीफ हो, और आगे चल के इसकी निधि उसकी निधि ला के वो ये बताएं कि देखो मैंने आपका बहता हुआ पानी मैंने बंद कर दिया। भाई अगर आपको बंद करना है, बेवकूफ़ इंसान, कॉरपोरेशन है तो नुमाइंदे थे पहले, बराबर है, हमको बोलो, हमको बोलने को शर्म आती उनको, तो ये ऐसा जो है इससे पहले उसके घर के सामने से पानी बह रहा था, आपको भी जब मैंने बुलाया था, एक तो पहले नासिर सिद्दीकी साहब को और आरिफ हुसैनी साहब से मैंने उद्घाटन करवाया और एक पानी की एक ड्रेनेज की लाइन डाली उस वक्त, उसके बाद फिर मैं देख रहा हूँ तो इसका जो चैम्बर है वो नीचे था और मेन लाइन जो है वो ऊपर थी, तो मेरे को जो है उन्होंने रिक्वेस्ट किए काटकर साहब ने कि भाई दूसरी लाइन अपने को डालना ज़रूरी है, मैं उसके फेवर में नहीं था, मैं ये बोल रहा था कि पहले की जो लाइन डाली गई वो कॉन्ट्रेक्टर पर कार्रवाई करो कि उसने लाइन मिलाया नहीं। उन्होंने काटकर साहब, उनका नाम भी लेके मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने बोले कि भाई वो दूसरी लाइन जो है
हाशमी साहब उत्ता जो है आप कर ले, अपन उधर की नई लाइन जो है उसको और मिला देते हैं। फिर मैंने वो काम जो है मेरी निगरानी मैंने चालू किया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पानी बंद कर दी हमने। अब मैं, मेरा यहाँ पे ऑफिस बन रहा है, मैं रेगुलर यहाँ पे बैठ रहा हूँ, बराबर है, तो आप तकलीफ कैसा देना? अरे भाई तकलीफ मुझे देना आप? तो इन्होंने बंद किया है। हाँ तो क्या हुआ, ये काम जब मैंने करवा दिया, दूसरी लाइन भी डाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने बोला माशाल्लाह आप जो है पानी का मामला जो है ख़त्म हो गया। अब कौन से पानी का बच्चा था, जो पीने का पानी आता, पीने का पानी आता और पीने का पानी जो लोग बाहर खड़े रह के जो है भरते, तो ये ऐसे 90 डिग्री बोलो 80 डिग्री बोलो उसका स्लोप है जी। तो ऊपर अगर आप एक लोटा भी पानी डालेंगे ना, वो सीधे नीचे आता हूँ। तो जब लोग अपने गाड़ियाँ धोते, रिक्शे धोते या पानी भरते, तो पूरा ये दो गलियों से पानी गुजरता है, एक मेरे ऑफिस के ये बाजू से भारत मेडिकल के पास से, और ये जयवीर नगर का जो गेट है यहाँ से। उतना पानी का मसला जो है बाकी रहा, तो उसके लिए हम कैचपैड बनवा रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी जो है हो जाएगा काम। तो मैंने जैसे ही वो काम किया, काम करने के बाद मैंने बोला यार ये पानी कैसे क्या आ रहा है। एक दो दिन मेरे को ऐसा लगा कि भाई शायद से और कुछ चौकअप हो गया शायद, मैंने बोला ऐसे कैसे काम हो गया। तो जाके मुझे लोगों ने बोला कि अरे भाई वो तुम्हारे नगर सेवक ने बंद कराया। मैंने बोला नगर सेवक ने बंद कराया? जाके देखा तो शाह भाई का जो घर है सैयद मतीन के घर के पहले, वहाँ पे कंक्रीट थोड़ा, उस दिन कॉन्ट्रेक्टर आके थोड़ा कंक्रीट कर रहा था, तो उसका कंक्रीट का बचा हुआ मटेरियल उन्होंने उसमें डाल दिए और बंद कर दिए उसको। तो काटकर साहब को मैं 8 दिन से मैं बोल रहा हूँ, काटकर साहब की भी मेरे उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई, कल मैं उनसे जाके भी मिला। मैंने बोला कि मैं यहाँ पर अमरन ओपोशन को बैठाऊँगा शिवाजी के पुतले के पास अंदर, आपको भी मैंने फ़ोन करके बोला कि यहाँ बैठेंगे और जब तक ये काम नहीं करते। तो उन्होंने अलग 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 कॉन्ट्रेक्टर को भेजे, तो सब जन जो है वो बोल रहे कि साहब वो उनके वाला आके बाहर खड़े हो जा रहे, बोल रहे कि भाई बहन दो पानी तुमको क्या हो रहा, बहन दो पानी तुमको क्या हो रहा। उनके वालिद साहब आके बोल रहे, मत सैयद मतीन के वालिद साहब आके बोल रहे कि हाँ हमने बंद कराए, हमने बंद कराए बहन दो। अरे बेवकूफ़ हो, तुम लोगों को तकलीफ़ दे रहे हो कि लोगों को राहत देने का काम कर रहे, बराबर है कि नहीं है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके आने के थोड़ी देर पहले आके उनके वालिद को रोका, मैं बोला कोई तरीका ही भाई, अगर नाली बंद करवाना है हमेशा के लिए, बराबर है, उसका तरीका है कि टेक्निकल तरीके से आप करें। ये ऐसा रोड पे बहते रहेगा पानी, हाँ लोगों को तकलीफ़ होते रहेंगी, हाँ, और बाद में जो है 1 महीना 2 महीने के बाद जाके जो है कोई कॉरपोरेशन जागेगा और उसके बाद काम होगा, तो ये तरीका नहीं है ना लोगों को तकलीफ़ देने का। तो मैं चाह रहा कि आसिफ भाई, मुझे बहुत बोला गया, रोका गया यार, क्यों वो जो है ना 95% पहले ही जो है हवा उसकी ख़त्म हो गई, 5% ऑक्सीजन पे है, वो भी काई की वो करते तुम, हाँ। तो मैंने बोला कि नहीं भाई, आवाम के सामने ये हकीकत लाना चाहिए कि ये नाली जो यहाँ से बहरी, ये तकलीफ सिर्फ सैयद मतीन की है, सैयद मतीन के घर वालों से है, क्योंकि उन्होंने आके कॉरपोरेशन के लोगों को बोले कि हमने बंद करें। जाइए वहाँ पर जो है वाजिद बोल के एक है बच्चा जो नया जो है लगा है, उससे पूछ लीजिए आप, अभिजीत बोल के वहाँ पे है, काटकर साहब से पूछ लीजिए आप, बोलिए उनका अगर मैं गलत हूँ तो जाइए बोलना पॉलिटिशियन में कंप्लेन कीजिए, और ये सब अधिकारी को बुलाओ और उनसे पूछो कि बंद किसने कराया बोले। तो ये सही तरीका नहीं, आसिफ भाई बोलनी के आवाम के नॉलेज में रहना चाहिए ये चीज़ कि ये देखिए कैसा तकलीफ़ देने का लोगों को काम कर रहा है। मेरे को बुरा कब लगा साहब, मैं यहाँ बैठा हुआ था परसों के दिन, एक बुरखे में लेडीज़ और उनके शौहर जा रहे थे, 2-3 साल का बच्चा उनके गोद में था, मेरे सामने गिरे हो ये पानी की वजह से, पानी मट्टी में जाके कीचड़ हो गया, बेचारे स्लिप हो गए। कई लोग यहाँ से आते जाते, अभी यहाँ से जो है हमारे कुछ लोग गुजरे हैं, वो क्या चीज़ है सर। आपके ज़बान से मैंने कई बार आपसे बातचीत भी किया हूँ, उनके बारे में अक्सर आपकी ज़बान से मतभेद की बातें निकलती, कारण क्या है? अरे मतभेद की बात नहीं है, देखिए मेरा तो अगर आप पर्सनल देखिए तो मेरा कोई मतभेद ही नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि इलेक्शन है, आ जाए दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जमानत भी जब्त करा दूंगा मैं उसको, मेरे को कोई मतभेद नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक जिम्मेदारी होती है, आप कॉरपोरेटर हैं, आवाम ने जो है आपको आपके नाम पे चुन के नहीं दिया था, आवाम ने आपको MIM के नाम पे आपको चुन के दिया था। जब आप जीत गए MIM के नाम पे, तो आपका काम था कि इस आशिकी और ये और वो चीज़ें नहीं करते हुए महल्ले में ध्यान देते। मैंने आपको इससे पहले भी बोला है कि कॉरपोरेटर चुन के इसलिए दिया जाता है कि वो कॉरपोरेशन में जाकर नुमाइंदगी करे। ये अरसुल जेल को चल जाते कॉरपोरेशन, हमारा वार्ड वैसे ही पड़ा हुआ है। तो मैं कॉप मेंबर बना, जब से मैं आके यहाँ पे मैं जो है ये मसाइल जो है
हल करने की कोशिश कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक जो है उसमें कामयाबी भी मिल रही है। और अभी इंशाल्लाह इम्तियाज़ जलील साहब आएंगे और जो हमारे काम है उसके उद्घाटन करेंगे और जो मसाइल रह गए हैं उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। अब नई बॉडी में चुन के जाने के बाद इंशाल्लाह पूरे और अच्छे तरीके से, मेरे नाम से मैंने लेटर भेजा आपको कि कॉरपोरेशन ने अबुल हसन हाशमी के नाम से लेटर भेजा कि अब हम आपका बोला है पूरे वार्ड में जो है काम किया जाए पानी का, तो उन्होंने मुझे जो है कुछ गलियों के नाम उन्होंने डाल के दिए कि भाई साहब आपके बोलने पर हम ये अर्जेंट काम हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। फिर मैंने कल जाके लड़ा कि मैंने बोला कि 5-7 गलियां नहीं पूरा वार्ड जो है करना चाहिए, तो उससे काम होते नहीं। वो देखता हाशमी साहब का क्या मामला चल रहा और वो जाके जो है एक लेटर दे देते। वो तो लेटर दे रहे, दावे कर रहे हैं कि मैंने करा हुआ, ऐसा दावा कर रहे साहब। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर वो ये दावा करते हैं कि ये काम अगर वो कर रहे हैं तो मसाइल क्यों खड़े हैं? ये मसाइल किसके है? मैं चुन के आया यहाँ से, ये मसाइल किसके है? आसिफ कॉलोनी के मसाइल है ना, बराबर है। अगर वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने काम किया है तो ये पानी कैसा बह रहा, हाँ ड्रेनेज कैसा बह रहा, कचरा कैसा पड़ा हुआ है, हाँ स्ट्रीट लाइट क्यों बंद है? एक घर से आप पूछिए, अबुल हसन हाशमी के ऑफिस पे आने की अल्हम्दुलिल्लाह किसी की जरूरत नहीं। आसिफ कॉलोनी बिस्मिल्लाह कॉलोनी में व्हाट्सअप या मेरे को मैसेज करते हैं, मैं इमीडिएट उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 99% उसको जो है सॉल्व कर देना। बस मेरी ये ख्वाहिश है कि अब इलेक्शन जल्दी हो जाते हैं इंशाल्लाह, फिर मैं अपना काम जो है इनको करके बताऊंगा कि महल्ले में काम कैसा हो।